हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इसके संबंध में मेरे दिमाग में बहुत दिनों से एक क्वेश्चन मार्क चल रहा था कि गलती किसकी, हमारी गलती है या फिर आयोग की। हमारी गलती कि हम आयोग पे भरोसा करते हैं, हम UPSC पे भरोसा करते हैं और अपना कैरियर UPSC के थ्रू बनाना चाहते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलती लगती है, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो खबरें आजकल छप रही हैं उसके अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि हम लोग एग्ज़ाम जो UPSC का देते हैं, हम लोग UPSC पर भरोसा करके बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग और किसी सेक्टर में भी कैरियर बना सकते हैं, बट हमें SP DSP DM बनना है। बट कितने टाइम तक और हमें इंतज़ार करना पड़ेगा? किसकी गलती है, हमारी गलती है? चलिए देखते हैं क्या छपा है न्यूज़पेपर में इसके संबंध में, UPSC आयोग के संबंध में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इतने रिजल्ट हैं जो अभी तक घोषित नहीं हुए हैं, जिसका वेट हमारे एस्पिरेंट हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं। PCS 2017 मेंस जो 4 महीने पहले हुआ था और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। PSC 2016 मेंस 2 साल हो चुके हैं, जब 2016 का ही नहीं आया है तो 17 का कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आयोग से। समीक्षा अधिकारी 2016 में प्री हुआ था, 2.5 साल हो चुके हैं उस पेपर को। इसी तरह समीक्षा अधिकारी 2017 में प्री हुआ था, उसको 1 साल हो चुके हैं। 2017 वाले स्टूडेंट बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मैम हमारा रिजल्ट कब तक आ सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन है? आप लोग खुद ही सोचिए, जब 2016 का प्री का रिजल्ट आया ही नहीं है तो 2017 का इतनी जल्दी कैसे आएगा? मैं इसीलिए ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि गलती हमारी है कि हम UPSC पर भरोसा करके साल दर साल बस एग्ज़ाम ही देते जा रहे हैं और रिजल्ट का कोई भरोसा ही नहीं कि वो कब तक आएगा। अर्थ सांख्यिकी अधिकारी 2009 और 2010, 8 साल हो चुके हैं इस पेपर को। जो लोग पेपर दिए हैं, अगर वो इसी नौकरी के भरोसे बैठे रहे तो उनका कैरियर बिल्कुल समाप्त हो सकता है। APS 2013 के 300 पद, अपर निजी सचिव 2 साल हो चुके हैं इसको। और जूनियर इंजीनियर 2010 के 2000 पद जिसपे हुई थी भर्ती निकाली गई थी, उसको 8 साल हो चुके हैं। अभी तक रिजल्ट का कोई नामो निशान ही नहीं है कि कहाँ है रिजल्ट, कब आएगा, कैसा। तो आप लोग यही सोचिए कि हम लोग पेपर दे रहे हैं तो किस लिए पेपर दे रहे हैं? सिर्फ पेपर दे के भूल जाने के लिए दे रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, इसका कोई अता पता ही नहीं है? इस पर आयोग अपनी गलती ना स्वीकार करते हुए बस यही हवाला देता है कि हमारे यहाँ तो पिछले कई महीनों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ना हो पाने से परीक्षाओं के संचालन और भर्ती परीक्षाओं के चयन परिणामों के अनुमोदन पर बुरा असर पड़ रहा है। सदस्यों की कमी से कामकाज लगभग ठप पड़ा है। फोरम पूरा होने के लिए आयोग में कम से कम 2 सदस्य और अध्यक्ष होने चाहिए, जबकि फिलहाल अध्यक्ष के अलावा सिर्फ 1 सदस्य है। आप खुद ही सोचिए कि जो आयोग खुद अपने ही सदस्यों की भर्ती नहीं कर पा रहा है, खुद अपने ही कोरम को पूर्ण नहीं कर पा रहा है, वो औरों की भर्ती कैसे करेगा? इतना कमजोर हो चुका है आयोग इस समय। नतीजा यह निकला कि परीक्षा समेत अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने वाली समितियां काम नहीं कर पा रही हैं। इससे PCS समेत कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं के रिजल्ट भी घोषित नहीं हो पा रहे। ये आयोग का कहना है कि इस वजह से हम रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये कमी तो कुछ दिनों पहले से हो रही है। 2010 से रिजल्ट जो अटके हैं, 2015 से 2016 के वो रिजल्ट क्यों अटके हुए हैं? वो तो निकालने चाहिए थे इनको टाइम पे। वहीं आयोग के 7 सदस्य सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिनके स्थान पर नए सदस्यों की नियुक्ति होनी है। आयोग में सदस्यों की नियुक्ति ना होने से भर्तियों के रिजल्ट भी रुके हुए हैं, जिनको लेकर प्रतियोगी छात्रों में रोष है। ये तो ऑब्वियस है, रोष तो होना ही है। आयोग अपने ही पूर्ति नहीं कर पा रहा है, वो दूसरों को नौकरी क्या दिलाएगा? आयोग में कई ऐसी भर्ती परीक्षाएं हैं जिनके रिजल्ट सदस्यों के ना होने के चलते नहीं घोषित हो पा रहे हैं। तो न्यूज़पेपर में आयोग ये समय समय पर ये खबरें छापता रह रहा है कि हमारे पास सदस्य नहीं है, इसकी वजह से हम रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं।
तो पहले आयोग से रिक्वेस्ट है, सारे एस्पिरेंट्स की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अपना कोरम पूरा कीजिए, और जो इतने सालों से लोग आशा में बैठे हुए हैं अपनी रिजल्ट के, उनको रिजल्ट तो दीजिए ताकि वो आगे अपना भविष्य तो देखें कि अगर उन्हें आगे क्या करना है अपने भविष्य में। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। मैं टाइम टाइम पे आपको जो भी आयोग अपडेट देता रहेगा, टाइम टाइम पे जो खबरें आती रहेंगी मैं आपको प्रोवाइड करवाती रहूँगी। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको टाइम टाइम पे खबरें मिलती रहें। और हाँ, हमारी जो सीरीज़ चल रही है UPSC मेंस 2018, उसके ऊपर ध्यान देना ना भूलिएगा। वो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि वो सीरीज़ आपको टाइम से टाइम मिलती रहे। आयोग का रिजल्ट कभी भी आए, हम लोग एस्पिरेंट्स हैं, हमें तैयारी जारी रखनी चाहिए अपनी, और करनी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।